नमस्कार, बब्बीज किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, बिल्कुल ही नए तरीके से। आपने ढाबे की स्टाइल की सब्ज़ी खाई होगी, आपने सूखी अरबी की सब्ज़ी बहुत बार खाई होगी, पर आप मेरे तरीके से अगर आप इसे बनाते हैं तो यकीन मानिए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इस तरीके को जानने के लिए आपको लास्ट तक मेरा वीडियो को देखना ज़रूर पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप इसे देखिए और फॉलो करिए। तो शुरू करते हैं हम इसे बनाना। ली है मैंने ये 400 ग्राम अरबी, इसे मैंने धो लिया है और हाथों में तेल लगाकर इसे मैं छील कर पीसेस में काट लूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लिया है मैंने 3 चम्मच दही, ये घर का बनाया हुआ ताज़ा दही है। इसमें मैं डालूंगी 7 से 8 कुटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हींग, ये सबको मैं दही में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ 1 चम्मच जो है धनिया का पाउडर, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी का पाउडर। कसूरी मेथी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है, तो आप इसे ज़रूर डालिए। अब मैं इस सारे मसाले में मिक्स कर दूंगी मेरी कटी हुई धुली हुई अरबी। अब इसे मैं अच्छी तरीके से 1 मिनट तक चलाते हुए मिक्स करूंगी। कि हमें अरबी को इसमें मैरिनेट करना है, इस दही के मिक्सचर में, मसाले और दही में, तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट तक। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक कर के रख दूंगी। तब तक मैं प्याज़ और टमाटर का पेस्ट बनाने वाली हूँ। मैंने ले ली है 2 प्याज़ और 1 टमाटर, उसका मैंने पेस्ट बनाया है और इसी ग्रेवी में मैंने ये मिक्स कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए 1 मिनट तक चलाते हुए मैंने ये सारा मिक्सचर तैयार कर दिया। अब ये मैरिनेट तैयार हो गया, इसको मैं 20 मिनट के लिए ढक कर के रख दूँगी। तो चलिए 20 मिनट हो गए हैं, अब हम बनाते हैं अपनी सब्ज़ी। तो मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल लिया है और मैं कढ़ाई को ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा चला दिया है ताकि सरसों का तेल जो है वो सारी कढ़ाई में लग जाए और हमारी जो ग्रेवी है वो कहीं चिपके नहीं। तो मैंने ले लिया है 1 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज़पात का पत्ता और 4 से 5 काली मिर्चें, बस इतना ही मसाला हम डालेंगे इसमें। बाकी सारा हम लोग मैरिनेशन में डाल चुके हैं ऑलरेडी, तो हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। अभी हम मैरिनेट किया हुआ सारा मिक्सचर जो है हम इस मसाले में छोड़ देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें दही पड़ा है तो इससे मसाले के फटने की गुंजाइश रहती है, दही हमारा फट सकता है। तो इसको हम चलाते हुए पकाएंगे लगभग 5 मिनट, जब तक ये बॉईल नहीं आ जाता है। और जैसे इसमें बॉईल आने लगेगा तो हम इसे चलाना छोड़ देंगे और इसे ढक कर के 5-10 मिनट के लिए पका देंगे। बस इस सब्ज़ी में हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें धीमी आंच में पकाना है और धीमी आंच में जो ये आराम से पकेगी और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर, स्वाद सब उभर कर आएगा। सारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से इसमें पक जाते हैं, बहुत अच्छा इसका जो स्वाद है अरबी अब्सॉर्ब कर लेती है सारे मसालों का और बहुत ही अच्छा इसका कलर निकल के आता है। तो अब हमारी सब्ज़ी में अच्छा सा बॉईल आ चुका है, इस स्टेज में हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच में पकाएंगे। हमारी अरबी रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी सॉफ्ट गली है ये, चम्मच की सहायता से इसे चेक कर लीजिए। अब हम सारे तेज पत्ते इसमें से निकाल लेंगे और हमारी ये सब्ज़ी जो है रेडी हो चुकी है। तो आप भी बनाइए, इसे इंजॉय कीजिए, इसे रोटी,
पराठे पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी खाने में। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपको ये सब्ज़ी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।